सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमीलेयर आरक्षण को व्यवस्थित करने का आदेश राज्य सरकारों को दिया था। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान आरक्षण समर्थकों द्वारा किया गया। उस भारत बंद का असर कस्बा जशवंत नगर से नदारद था। बाजार पूरी तरह से खुला हुआ था। इसका मुख्य कारण बंद का प्रचार और प्रसार का न होना था। दूसरा, नेतृत्व का अभाव भी रहा। क्रीमीलेयर विरोधी सड़कों पर तो उतरे, पर दुकानों को बंद कराने में असहाय रहे। भारत बंद समर्थक एक कार्यकर्ता से हमारे संवाददाता ने जो कुछ पूछा, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे टीटीएन 24 समय का साथ। इस वक्त हम जसवंत नगर मुख्य चौराहे पर स्थित हैं और यहाँ पर हमारे पीछे आज भारत बंद का ऐलान किया गया था दलित समाज द्वारा, जो कि क्रीमीलेयर आरक्षण को लेकर दलित समाज सड़कों पर उतर आए। भारत बंद का एक अपनी मांगों को लेकर रोड पर उतर आए हैं। क्या मांगे हैं इनकी, हम डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे साथ हैं और भी लोग आरक्षण में लेकर शामिल हुए हैं, पूछेंगे इनसे क्या क्या मांगों को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया। जी, क्या नाम है आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार। किन बातों के लेकर आज भारत बंद का प्रदर्शन किया गया है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था 1 अगस्त 2024, जी, उसमें उन्होंने आरक्षण को सब कैटेगरी में बांटने का प्रयास किया है, जिससे जनता में आक्रोश है। और ये सही मायने में संविधान का जो SC ST को जो हम लोगों को आरक्षण मिला था उसकी अवहेलना है, क्योंकि 2004-2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि आरक्षण में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती, और उन्होंने अब जा करके आरक्षण में सब कैटेगरी बना करके आरक्षण के नाम पर हमारी SC ST में फूट डालने का काम किया है। आगे क्या कार्रवाई है, किन के लोगों ने इसमें शामिल भागीदारी की है? देखिए, ज़्यादातर जो पार्टियां हैं, जो सेकुलर मोड की पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों ने इसमें घोषणा की कि हम भारत बंद का समर्थन करते हैं और हम सड़कों पर भी उतरेंगे, हम इसका ज्ञापन भी देंगे। और न्यायपालिका ने जिस तरीके से निर्णय दिया है, न्यायपालिका को अपने निर्णय वापस लेने के लिए हम प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे। क्या कोर्ट इसको मान करेगा? बिल्कुल मान करेगा भाई, कोर्ट जनता के ऊपर तो है नहीं, जनता ही सर्वोपरि है और जनता जो कुछ करती है जनता ही तुम्हें बनाती है। और न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है, जनगणना रोकने के लिए एक दुष्चक्र है। जातीय जनगणना की जो मांग थी पूर्व में कई दल कर चुके थे, उसको रोकने का एक दुष्चक्र है। इसके आधार पर जातीय जनगणना को रोकने का इन्होंने कार्यक्रम बना दिया और बैकपेड में रोहिणी आयोग को भी लागू करने का एक दुष्चक्र है इनका। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, जूता पिकरेट तमाम दलों के लोग सब सड़क पर उतरे हैं। इसमें अगर बात की जाए दलितों के बारे में कहा जाए तो दलितों का किस तरह का अहित हो रहा है? दलितों का अहित यह है कि SC को एक पूरी कैटेगरी माना गया है, SC को पूरी कैटेगरी माना गया है। अब इन्होंने क्या करा कि उसको क्रीमी लेयर बना करके कि जिस जाति के लोग ज्यादा लाभ ले चुके हैं नौकरियों या दूसरी जगहों पर, अब इनको इनसे हटा दिया जाए और दूसरे लोगों को इनमें शामिल कर लिया जाए। तो भाई, जब सारे लोगों का संपूर्ण एक कैटेगरी थी, एक कम्युनिटी थी, तो वहाँ किसी को रोका तो गया नहीं था। और तुमने आज तक जो लाखों की संख्या में, हमारे करोड़ों की संख्या में जो बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको आज तक तुम भरा नहीं है। हम जहाँ भी है, हम अगर सचिवालय की बात करें, हम न्यायपालिका की बात करें, तो हम आज सुन है तो कोलोजियम से तुमने जज बना लिए। तमाम इस तरीके के निर्णय हैं जिस निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देखा, उसने अनदेखा कर दिया, और उसके बाद में इस तरीके का निर्णय देने का मतलब है समाज में फूट डालना। क्या इसमें मुस्लिम समाज भी भागीदारी दे रहा है, कितना उसका? बिल्कुल, मुस्लिम समाज में कई मुस्लिम समाज के संगठनों ने उसमें भागीदारी दी, अपना समर्थन दिया है और भारत बंद का समर्थन किया, लोग रोड पे भी उतरे हैं। अरे, ये मांग अगर ये मांग नहीं मानते हैं, कोर्ट नहीं मानता या नहीं मानते, तो आगे क्या प्रदर्शन है? आगे प्रदर्शन यह है कि लोग चक्का जाम करेंगे और रेल भी जाम करेंगे, दूसरे तरीके के जो लोकतांत्रिक हथियार है उनका प्रयोग करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से लोग धरने पर बैठेंगे और सब कुछ करेंगे और उसको मानने के लिए बात भी करेंगे। जी जी।